हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डेली क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि लास्ट 5 आवर के लिए आपकी इंग्लिश को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप लोग कैसे इंग्लिश एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे लास्ट 5 घंटे में पढ़ करके। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वाले स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे यूजफुल टिप्स दिए थे। यदि आप लोगों ने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा तो आप लोगों का पूरा सिलेबस फिर से एक बार खत्म हो गया होगा। यदि आप लोगों ने उसे फॉलो नहीं किया तो कम से कम अब आप लोग इसे फॉलो कर दीजिएगा, आप लोग अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। ओके, देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है लास्ट 5 आवर में, आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन को करना है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अभी भी जिनका नहीं हुआ है, जिनका बहुत कुछ बचा हुआ है, उनके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, अब देखिए जिनका भी कंप्लीट हो गया है ना, उन्हें क्या करना है कि 5 घंटे में, आपको बात कर रहा हूं, 5 घंटे में आप लोगों को एक बार फिर से लिटरेचर बुक को अच्छे तरीके से रीड करना है। एंड दिस टाइम आप लोगों को फास्टली रीड करना होगा, क्योंकि अब आप लोगों को आर्टिकल ये सभी करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा फास्टली रीड कीजिएगा। 2 घंटे 5 घंटे में आप लोग 2 घंटे किसे दे दीजिएगा, लिटरेचर सेक्शन को दे दीजिएगा। 2 घंटे में आप लोग अच्छे तरीके से पोएम का थीम ये सब पढ़ लीजिएगा, क्या है उसका थीम। एंड यदि नहीं हो पाए तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैंने हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। यदि आप चैप्टर को समझ चुके हैं तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 घंटे किसे दे दिए, 2 घंटे आप लोगों ने लिटरेचर सेक्शन को दे दिए। बचे हुए 3 घंटे में आप लोगों को 1 घंटा ग्रामर और 1 घंटा राइटिंग सेक्शन में देना है। ओके, अब आप लोगों को ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में आप लोगों को जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे आप लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, नरेशन को आप लोग कैसे अच्छे से सीख सकते हैं, डायलॉग राइटिंग, ये सब भी आप लोगों को 1 घंटा में करना है। तो 1 घंटा आप लोग ग्रामर को दे दीजिए एंड 1 घंटा जो है वो आप लोग किससे दे दीजिए, आप लोग राइटिंग सेक्शन को दे दीजिए। अब राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा, तो लेटर आ सकता है, स्पीच आ सकता है, नोटिस आ सकता है, ईमेल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। ओके, तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, एक डायरी एंट्री आ सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जितने भी आर्टिकल्स के टॉपिक दिए गए आपके सिलेबस में उससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब आप कहाँ से प्रिपेयर कर पाएंगे, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे हर एक का लिंक दे दिया है, मैंने हर एक टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो आप लोग जाकर के इजीली किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारा वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों का राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर कहाँ से करना है, तो ग्रामर में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बुक में जितने भी रूल्स दिए गए थे रिमेंबर करके उसे आप लोग अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, चाहे वो नरेशन का हो, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब का हो, जिसका भी हो, आप लोगों को अच्छे तरीके से उन सारी चीजों को पढ़ लेना है। ओके, जो भी आपको प्रैक्टिस बुक में दिए गए हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया, 2 घंटे लिटरेचर को दे दिया हम लोगों ने, क्योंकि उसे 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। एंड हम लोगों ने 1 घंटा दिया राइटिंग सेक्शन को, 1 घंटा दिया हम लोगों ने ग्रामर सेक्शन को। अब बचा हुआ जो 1 घंटा है उसमें आप लोगों को रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रीडिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन में जो पैसेजेस ये सब आते हैं ना उसी का प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो मैंने आपको बहुत सारे पैसेजेस प्रोवाइड करवा दिए हैं। एंड यदि आप लोग और भी पैसेज चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस करके बताइएगा स्टूडेंट्स। ओके, मैंने आपको लगभग 15 पैसेजेस दे दिए हैं, तो आप लोगों को उन 15 पैसेज को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डीएवी क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। यदि आप लोग डीएवी क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट विजिट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों की क्लास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उसके साथ साथ जो भी सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के थे, उसके साथ साथ मैंने हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी वीडियो यहां पे अपलोड कर दिया है। ओके, तो आप चाहें तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट में विजिट करके अच्छे से अच्छे कंटेंट को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो उनकी बात हो गई जो रिविजन करना चाहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका रिविजन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब उन्हें क्या करना है ना, उन्हें अच्छे तरीके से एक बार चैप्टर को रीड करना है। ओके, लिटरेचर सेक्शन को उन्हें देना है 3 घंटे, लिटरेचर सेक्शन को उन्हें देना है 3 घंटे। अब उन्हें 3 घंटे क्यों देना है, तो मैं बता दूं कि आप लोगों को 40 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर सेक्शन से आएगा, तो ये जरूरी है कि आप ज्यादा फोकस जो है वो अपने लिटरेचर सेक्शन पर दें। ओके, तो ये जरूरी होता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस लिटरेचर सेक्शन पर दें। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें 3 घंटे लिटरेचर सेक्शन को अच्छे तरीके से दे देना है। ओके, 3 घंटे में आप लोग लिटरेचर सेक्शन में कैसे पढ़ाई करेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है कि हर एक चैप्टर को एक बार रीड करना है। जहां भी आपको लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वहां आप लोग मेरे चैनल में अपलोड किएगा हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैंने हर एक पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर आप चाहें तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कब देखना है, जब आपको चैप्टर समझ में नहीं आए तो। ओके, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर जरूर देख लीजिएगा। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, 3 घंटे आप लोगों ने लिटरेचर सेक्शन को दे दिए, अब बचे आपके 2 घंटे। 2 घंटे में आप लोगों को आधा घंटा रीडिंग सेक्शन में देना है। रीडिंग सेक्शन में आप लोगों को पैसेज का प्रैक्टिस करना है,
मैंने बहुत सारे प्राइसेस पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं, यदि आप और चाहते हैं या आपने उसे कर लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताइएगा। ओके, आधे घंटे आप लोगों को रीडिंग सेक्शन में दे देना है। जब आपका रीडिंग सेक्शन भी आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा तो बचे हुए डेढ़ घंटे में आप लोगों को आधा आधा बात देना है। ओके, 45 मिनट आप लोगों को ग्रामर सेक्शन में देना है एंड 45 मिनट जो बचे वो आप लोगों को राइटिंग सेक्शन में देना है। राइटिंग सेक्शन में जितने भी आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि सेल्फ सेंटर, जनरेशन, मीडिया इंपैक्ट ऑन टीनेजर्स, ये सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हर एक वीडियो का पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आपका जो भी प्रिपेयर नहीं हो पाया है आप लोग जा करके पढ़ लीजिएगा उसे। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में वहाँ पर आप लोगों को लिखवा दिया है। ओके, तो आप लोग उसे भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसे भी 8-9 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से बता देता हूँ। देखिए, नोटिस आ सकता है, ईमेल आ सकता है, उसके साथ साथ लेटर आ सकता है, डायरी एंट्री आ सकता है, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, यही सारी चीजें आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ सकती है। ओके, तो आप लोग इन सारी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड सबसे जरूरी होता है फॉर्मेट, जैसे लेटर टू एडिटर, तो लेटर टू एडिटर का आप लोग फॉर्मेट जान लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि लेटर टू एडिटर में ना मेनली जो 2-3 पैराग्राफ होते हैं ना वो आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे, बस आप लोगों को थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, जैसे कि थ्रू द एस्टिमेटेड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। ओके, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द काइंड अथॉरिटीज, तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप लोग लेटर टू एडिटर करके जाइएगा, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब ये हो गई स्टूडेंट्स आप लोगों को कैसे पढ़ाई करना है लास्ट 5 आवर में। एंड अब मैं बताता हूँ कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, देखिए, एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप लोगों को क्या करना है ना कि एक बार जितने भी पोएम या फिर पोएट के नाम दिए गए होंगे उसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा एंड चैप्टर का भी नाम कर लीजिएगा, जैसे बैच ड्रीम, तो उनके लेखक कौन है, उनके राइटर कौन है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ना बहुत बच्चे वहाँ पे भूल जाते हैं, किसी और राइटर का, किसी और पोएट का नाम लिख देते हैं किसी और पोएम में, तो ऐसी गलती ना कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। मैं आपको बार बार मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बात बताया था कि आप लोगों को पोएम का नाम, पोएट का नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो पहले तो आप लोग एग्जामिनेशन में जस्ट जाने से पहले आधे घंटे पहले इस चीज़ को प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड अभी भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उसमें, उसमें आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, अभी आप लोग लर्न कर लीजिए एंड अगली बार आप लोगों को क्या कीजिएगा उसे रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों का ये चीज हो गया। एंड एग्जामिनेशन में जब आप जाए ना तो आप लोगों को इंग्लिश का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको एक बार नहीं पढ़ना है। मेरी तो यही हिदायत रहेगी कि आप लोगों को लिटरेचर सेक्शन से शुरू करना है। ओके, एग्जामिनेशन टाइम में आप लोगों को लिटरेचर सेक्शन से शुरू करना है। पहले लिटरेचर क्वेश्चन के जितने भी लिटरेचर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हो सके उसे आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्या कीजिएगा, नेक्स्ट आप लोग कीजिएगा राइटिंग सेक्शन। ओके, नेक्स्ट आप लोग कर लीजिएगा राइटिंग सेक्शन। जब आपका राइटिंग सेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप लोग लास्ट में कर लीजिएगा रीडिंग सेक्शन। एंड यदि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा करना गलत होगा तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हुए कर लीजिएगा। मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन दे दिया कि पहले यदि आप लिटरेचर सेक्शन को कर लेंगे ना तो आपको लिटरेचर सेक्शन का ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा तो आप लोग इजिली क्या कर पाएंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट मान लीजिए आप रीडिंग सेक्शन से शुरू करते हैं, रीडिंग सेक्शन में यदि आप शुरू किए हैं और 2-3 क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं या फिर एक भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे रीडिंग सेक्शन का, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता जाएगा, जिससे आप लोग स्ट्रेस में आते जाएंगे। आप लोग ये सोचने लगेंगे कि यार मेरे इंग्लिश का एग्जाम खराब जाएगा, मेरे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको यहाँ से शुरुआत करनी जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए। ओके, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है एग्जामिनेशन के टाइम पर। आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे जैसे आप लोग स्ट्रेस लेंगे, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जाएगा ना, आपका पेपर उतना ज़्यादा खराब होता जाएगा। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स माइंड से एग्जामिनेशन में चीज़ों को लिखना है, अच्छे तरीके से आप लोग चैप्टर को समझ के जाइए, क्योंकि चैप्टर के अंदर से यदि क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा यदि आप लोग चैप्टर को पढ़ के जाएंगे तो। एंड मैंने आपको बुक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन सारी वीडियोज को भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डीएवी क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पे सारे वीडियोज एडेड है, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एंड इंटेक्स से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पर जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए, एग्जामिनेशन टाइम आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब गाइस, अब आपको क्या करना है ना कि जो भी फॉर्मेट होता है इसे आप लोग अच्छे तरीके से करके जाइएगा एंड एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपको ना थीम नहीं आ रहा है, आप थीम भूल गए, ओके क्या लिखना था ये भूल गए, तो आप लोग कम से कम फॉर्मेट ही लिख दीजिएगा, फॉर्मेट में आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, एंड अपनी तरफ से थोड़ा ऐड करने की कोशिश कीजिएगा थीम को। ओके, जो भी इसमें कंटेंट जाएगा उसे आप लोग अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आप लोगों को ऐसा नहीं कि रट के जाने, जब रट के जाएंगे तो पक्का ही भूल जाएंगे, आपको रट के बिल्कुल भी नहीं जाना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बस समझ लेना है इसमें मुझे क्या लिखना होगा। तो जब इसे समझ के जाएंगे आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे याद रहेगा कि हाँ मुझे इस सारी चीजों को इसमें लिखना था। जैसे मान लीजिए आया नेचर कंजर्वेशन, तो नेचर कंजर्वेशन के बारे में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं कि हाँ नेचर को क्यों कंजर्व करना चाहिए,
नेचर को कौन कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्यों एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि पेड़ों की कटाई होती है, उसके साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, सर पॉल्यूशन के बारे में बता दीजिए, नेचर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनको काटना बंद करना चाहिए, ओके। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने आर्टिकल में स्पीच में ऐड कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग फॉर्मेट को पहले अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, थीम तो आप लोग अपने आप लिख पाएंगे, ओके। एंड अभी सबसे पॉपुलर थीम आप लोग जानते ही क्या है, नेचर कंजर्वेशन है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड लाइफ है, टॉलरेंस है, ये सब आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स में से आपका एक टॉपिक आएगा, मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उन सारे टॉपिक्स को जरूर से जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड यदि आप मेरे से और भी सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने मेंबरशिप का प्राइस भी ज्यादा नहीं रखा है एंड हर लोग उसे अफोर्ड कर सकता है, ओके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। एंड आप लोग यस लिख के बताइएगा यदि आप लोग पैसे चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।